भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार नगर पालिका अधिनियम संशोधन एक्ट अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है महामहिम राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद से ये कानून बन गया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि मेयर का चुनाव कैसे होगा। जैसा कि उन्होंने बताया है कि मेयर का चुनाव अब आम जनता सीधे वोट देकर मेयर और उप मेयर को चुनेगी। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है उप महापौर पटना नगर निगम के पूर्व उप महापौर रूप नारायण मेहता। आइए इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ इस कानून में इनकी प्रतिक्रिया है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अध्यादेश की मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के बाद से, महामहिम राज्यपाल ने भी उसको अनुपालन के बाद मंजूरी दे दी गई है, क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? देखिए, बिहार सरकार ने के कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है कि अब महापौर और उप महापौर का चुनाव डायरेक्ट जनता चुन सके। चूंकि कैबिनेट ने जब मंजूरी दी है तो उसको महामहिम के पास भेजा गया और महामहिम ने भी अपनी सहमति दे दी, तो एक अधिसूचना अब जारी हो गई है और अब जनता सीधे महापौर की और महापौर की चुनाव करेगी। लेकिन इसमें हमें लगता है कि एक और संशोधन किया जाना चाहिए कि चुनाव को दलीय आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगती थी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला बनता था महापौर और उप महापौर के चुनाव में, जो पैसे का खेल होता था, उसको रोकने के लिए ही सरकार ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग विश्वास रखते हैं। हमें लगता है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और कहीं ना कहीं जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके जो सदस्य होते हैं उसके मुखिया को अपने चुनते हैं, यानी प्रधानमंत्री को चुनते हैं। उसी तरह से विधानसभा के चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री को उसके सभी विधायक चुनते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो अपनाई गई है, जो हमें लगता है कि एक कदम इस ओर है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोका जाए, लेकिन दूसरी तरह मौलिक अधिकारों का हनन भी है। हमें लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि हॉर्स ट्रेडिंग तो सभी जगह होते हैं, आप देखे होंगे इसका उदाहरण, कई उदाहरण हैं इससे पहले भी, लेकिन सिर्फ नगर निकाय को टारगेट करके और ये बात कहना ये गलत है कि सभी पार्षद एक तरह से होते हैं। मैं भी लगातार पार्षद रहा हूँ, महापौर रहा हूँ, प्रभारी महापौर भी रहा हूँ, और सभी का पर एक तरह से उंगली नहीं उठाया जाना चाहिए। हमें लगता है कि जो प्रक्रिया जब पार्षद चुनते हैं महापौर को, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का जो कार्य होता है, जो जनता द्वारा चुन के आते हैं, उनको उन पर प्रेशर रहता है कि हम कैसे अपने कार्य को कराएं, तो कहीं ना कहीं महापौर और उप महापौर का जो चुनाव होता है पार्षद द्वारा, तो पार्षद चुनते हैं तो कहीं ना कहीं महापौर को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगर हम प्रतिनिधि को अगर द्वारा चुन के आते हैं, उनको उन पर प्रेशर रहता है कि हम कैसे अपने कार्य को कराएं, तो कहीं ना कहीं महापौर और उप महापौर का जो चुनाव होता है पार्षद द्वारा, तो पार्षद चुनते हैं तो कहीं ना कहीं महापौर को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगर हम प्रतिनिधि को अगर उनके कार्य को नहीं करेंगे तो हम लगता है कि आगे बार हम अविश्वास प्रस्ताव जब लाएगा और उसमें हम हट जाएंगे। सर, इस कानून में अविश्वास प्रस्ताव का भी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, यही मैं कहना चाह रहा था। तो लोग अपने कार्य को करवाते हैं, महापौर करते हैं, लेकिन चूंकि प्रक्रिया में है कि उप महापौर और महापौर का चुनाव डायरेक्ट होंगे, तो इसमें और भी कोई क्लियरेंस नहीं है कि आखिर जो पार्षद अपना जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे उनकी क्या भूमिका होगी। महापौर उनकी बात को निरंकुश हो जाएंगे, उप महापौर निरंकुश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इससे आम जनता के कामों पर प्रभाव पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। बाकी जो है स्वागत योग्य है, अगर कोई चीज़ सरकार ने प्रक्रिया अपनाई है तो कहीं ना कहीं अच्छा सोच के ही अपनाई थी। लेकिन मेरा फिर एक बार निवेदन है सरकार से कि आपने किया है, हमें लगता है कि अगर दलीय आधार पर होगा तो वहाँ भीप का भी प्रावधान है। कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति जब अपने दल से अलग होता है तो दल बदल कानून उस पर भी लागू होता है, तो जब बड़े प्रतिनिधि पर होता है तो छोटे प्रतिनिधि पर भी होगा और उनकी सदस्यता जाने का डर रहेगा, तो इससे हाउस ट्रेडिंग भी रुकेगी। हमें लगता है कि सरकार को एक कदम और बढ़ के दरिया दिल दिखाना चाहिए और पार्षदों का भी चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए। इससे देखिए लोकतंत्र भी मजबूत होगा, क्योंकि जो भी लोकतंत्र में आधार है यहाँ का, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दल है और दल के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अगर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इससे हाउस ट्रेडिंग को रोकने का सरकार का जो मुहिम है उस पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। सरकार आपकी है सर, तो इसको लेकर आपने ज्ञापन दिया या फिर मांगे की सरकार से? नहीं, मैं तो जल्द उप मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने वाला हूँ और मिलने वाला भी हूँ कि अगर आपने ये काम किया है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन इससे आगे बढ़ के आप सरकार को कहीं ना कहीं दलीय आधार पर चुनाव
कराना चाहिए, इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं और एक उनको ज्ञापन भी देने वाले हैं, जिससे नगर निकाय का भी चुनाव एक स्वच्छ वातावरण में हो और लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुने, उनके भी कार्य हो सके। तो ये थे हमारे साथ पूर्व उप महापौर रूप नारायण मेहता जी, जो कि बता रहे थे कि इनकी मुख्य मांगे कि दलीय आधार पे चुनाव हो, जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब में हुआ करते हैं, उसी आधार पे महापौर का या फिर पार्षदों का चुनाव दलीय आधार पे हो, जिससे एक साफ सुथरी छवि बनेगी और नगर निगम में चुनी हुई सरकार अच्छे से कार्य कर पाएगी। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, सौर भारत न्यूज पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ चौक, पटना से। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।